आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, काफ़ी फ्रेंड्स के माइंड में एक क्वेश्चन है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आप नॉर्मलाइजेशन इस वर्ड को ही देखें, इसे हिंदी में बोलते हैं हम सामान्यकरण। जो सामान्यकरण होता है उसे हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो गाइस, सामान्यकरण क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी को सामान्य करना। और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है, तो कुछ शिफ्ट ऐसी होती हैं जिनमें एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो टफ होता है, तो उनको मतलब एक ऐसे लेवल पे लेके आना कि सभी सामान्य हो जाएं। जैसे अगर हम बात करें DSSB PRT, जो MCD PRT का एग्जाम हुआ है, तो उसमें आपको पता है कि जो 30 को एग्जाम था, इसके बाद 14, 13 और 28, तो इनमें कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टी लेवल था थोड़ा ऊपर नीचे था। हालांकि जो 30 का जो पेपर था वो टफ नहीं था इतना, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड था, इसके बाद जो 28 का था और 14 का था, उनका पार्ट ए मतलब लगभग सिमिलर था। 13 और 30 का जो पार्ट वन था वो सिमिलर था। तो आप बोल सकते हैं कि जो 14 और 28 का जो पार्ट वन था वो थोड़ा टफ था। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कि सभी को नॉर्मल लेके आना। जैसे किसी शिफ्ट का पार्ट वन टफ है तो उनको थोड़ा बेनिफिट देना, जैसे पार्ट वन किसी का थोड़ा टफ है तो उनको एक दो नंबर ज्यादा देना। इस तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें जो 30 वाले हैं, 30 सितंबर वाले हैं, उनको बेनिफिट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पार्ट टू था वो अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें वो DSSB हटा रहा है, तो इससे भी बहुत बेनिफिट होने वाला बच्चों को, लेकिन जो नुकसान होने वाला है वो 28 वालों को होने वाला है। अभी देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस लेता है DSSB। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका सिस्टम ही ये होता है कि सभी को नॉर्मल करना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट जरूर दें। तो गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।